हे एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप बहुत अच्छे से होंगे, सभी लोग स्वस्थ भी होंगे। मैं चेतन का स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस, जो आज का हॉल मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ, इसमें आपको बहुत सारे प्रोडक्ट आज देखने के लिए मिल जाने वाले हैं। साड़ीज़ मिल जानी है, कुर्तीज़ मिल जानी है, किसी भी फेस्टिव ओकेजन में आप कैरी कर सकते हो, कॉलेज में, ऑफिस में, अगर आप जॉब करते हैं तो उससे रिलेटेड भी इसमें बहुत प्यारी प्यारी सी ड्रेसेस भी मिलने वाली है। आपका होम डेकोर भी मिलने वाला है। तो बहुत बड़ा यूज हॉल वीडियो आप लोगों के साथ में शेयर करने जा रही हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक फुल वॉच कर लीजिएगा, इंजॉय कीजिएगा इस वीडियो को। इस वीडियो के लिंक आपको सभी मिल जाने हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर से आप प्लीज़ चेकआउट कर लीजिएगा। सभी की ही जो क्वालिटी है बहुत अच्छी है और मिनिमम प्राइस मैंने सभी के ही लिए हैं। बहुत अफोर्डेबल हॉल होने जा रहा है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज का हॉल वीडियो। बट उससे पहले, अगर चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट करें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इसी तरह के अपकमिंग हॉल वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल पर इसी तरह से मेरे साथ में बने रहिए। चलिए शेयर करती हूँ आपके साथ में ब्यूटीफुल सी प्यारी सी कॉटन फैब्रिक के अंदर कुर्ती। प्योर कॉटन फैब्रिक मिलेगा कुछ इस तरह का आपको, इसमें जिगजैग करके कुछ इस तरह से आपको डिजाइन मिलेगा। राउंड नेक मिलेगा, यहाँ पे गोटा पट्टी डिटेलिंग मिल जाने वाली है। यहाँ पर भी आपको वुड के बटन मिल जाने वाले हैं। यहाँ फ्रंट में इन्होंने ना दिया हुआ है चेन, अगर आप फीडिंग मदर हैं तो आप अपने बेबी को फीड भी करा सकते हो। 3-4 स्लीव्स के साथ में यहाँ पे गोटा पट्टी की डिटेलिंग मिल जाती है। साइड्स में यहाँ पे इन्होंने ना दो डोरी दी हुई है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये इस तरह से दो डोरी दी है साइड्स में, आप इसको ना यहाँ पे टाइट कर सकते हो। अगर आपको लूज लगता है तो यहाँ से टाइट करके आप इसको पहन सकते हो। फुल लेंथ से थोड़ा सा ही कम रहने वाली है, कुछ इस तरह से आपको मिल जाती है। ब्यूटीफुल शेड्स इसमें यूज़ किए गए हैं ना, सच में मेरे को ना इस तरह के शेड्स बहुत अच्छे लगते हैं। और ये देखिएगा, इतना इसके अंदर आपको ना फ्लेयर मिल जाता है, नो डाउट काफ़ी अच्छा है। शेड्स बड़े वाइब्रेंट हैं इसके। और बैक लुक की अगर हम बात कर लेते हैं तो बैक लुक आपको कुछ इस तरह से मिल जाता है, ठीक है। फ्रंट और बैक आपको सेम ही मिलने वाला है। अगर आप एक फीडिंग मदर हैं तो आपके लिए भी ये कुर्ती बहुत अच्छी रहने वाली है। भाई फेस्टिवल है तो साड़ी की बात ना हो ये तो हो ही नहीं सकता, बिकॉज़ हम इंडियंस जो हैं साड़ीज़ तो बहुत पहनते हैं किसी भी फेस्टिव ओकेज़न में। और ऑब्वियसली कि वेडिंग भी है तो आप इनको किसी भी तरह से कैरी कर सकते हैं। मैंने सिर्फ और सिर्फ 3 साड़ीज़ इस हॉल के अंदर शेयर करने वाली हूँ आप लोगों के साथ में। मीशो के ऊपर ना ये वाली साड़ी बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में थी, मैंने कहा चलो इसको बाय करके देखते हैं कैसे लगती है। सिल्क फैब्रिक मिलेगा आपको, ठीक है। 5.5 मीटर की आपकी ना साड़ी रहने वाली है। तो मैं दिखाती हूँ, ये वाला आपका ना अपर साइड का बॉर्डर रहेगा, ठीक है। ये आपको अपर साइड का बॉर्डर मिलेगा डार्क ग्रीन कलर के अंदर। ये तो काफ़ी पोर्शन है इन्होंने साड़ी का जो है प्लेन रखा है। एंड देन उसके बाद में आपकी जो साड़ी स्टार्ट हो जाती है कुछ इस तरह की आपकी साड़ी रहती है। साड़ी की लेंथ आपको प्रॉपर मिल रही है। ये कुछ इस तरह से ना ये एम्ब्रॉयडरी किए हुए हैं, ये जो इस तरह के बूटे बना के रखे हुए हैं इसमें, और इसमें ये गोल्डन से थ्रेड से ये इस तरह के बूटे बनाए हुए हैं। बहुत प्यारी लगती है ये साड़ी, काफ़ी नीट एंड क्लीन काम के साथ में आपको मिलेगी कम्प्लीटली। इसी तरह की आपको 5.5 मीटर की इसकी लेंथ रहने वाली है साड़ी की ना, ये देखिएगा। और ये आपको ना इसमें पल्लू मिल जाता है, पल्लू की जो लेंथ है आपको कुछ इस तरह से मिल रही है। और इसकी डिज़ाइनिंग काफ़ी अच्छी रहने वाली है, बहुत प्यारा सा लुक आता है इसको कैरी करने के बाद में। दूसरी बात यह है कि इसका ना ये ब्लाउज पीस रहने वाला है, ये देखिएगा, ये इसका ब्लाउज पीस रहने वाला है। काफ़ी चौड़ा सा आपको इसमें ब्लाउज पीस मिल जाता है, कम्प्लीटली 80 सेंटीमीटर के आसपास ही आपको लेंथ मिल जाती है। नीचे की तरफ आपको ये वाला गोल्डन कलर का बॉर्डर मिल जाता है, ये देखिएगा। ये बैक लुक दिखा रही हूँ, ये इसमें फ्रंट लुक है। तो ये कलर कॉन्ट्रास्ट बहुत अच्छा है इसका ना, साड़ी का ग्रीन और रेड का कॉम्बिनेशन। मुझे ये साड़ी पर्सनली बहुत अच्छी लगी, क्योंकि इसमें जो इस तरह के गोल्डन टच इन्होंने दिया हुआ है ना साड़ी के अंदर कॉन्ट्रास्ट में, तो मुझे ना ये चीज़ें बड़ी अच्छी लगती हैं। और ये ना किसी भी फेस्टिव ओकेजन में आप इसको कैरी कर सकते हैं। एक आप लोगों के साथ में ब्यूटीफुल सी ना साड़ी शेयर कर रही हूँ। इसका जो कॉन्ट्रास्ट रहने वाला है पर्पल और ग्रीन का कॉन्ट्रास्ट रहने वाला है। तो चले दिखाती हूँ, फर्स्टली मैं आपको इसका ब्लाउज दिखा देती हूँ। ब्लाउज पीस जो है आपको ये इतना मिल जाता है, यहाँ से ये देखिएगा कुछ इस तरह का रहने वाला है आपका ब्लाउज पीस। नीचे की तरफ आपको ये चौड़े वाला बॉर्डर मिल जाता है कुछ इस तरह से। और ये देखिएगा कुछ इतना ही इसमें रनिंग ब्लाउज के साथ में आपको पल्लू मिल जाता है। पल्लू के ऊपर ना कुछ इन्होंने ना स्टोन जो है चिपकाए हुए हैं, स्टिक किए हुए हैं, और ये आपको नीचे की तरफ चौड़ा बॉर्डर मिल जाता है, ठीक है। ये छोटा सा बॉर्डर ऊपर की साइड पे आपको मिलता है। पल्लू की डिज़ाइन अलग है एंड ब्लाउज की डिज़ाइन अलग है। तो ये हमारी रहने वाली है साड़ी। साड़ी कुछ इसी तरह से ही रहेगी,
ब्यूटीफुल सी है, कुछ इस तरह का आपको ना वोवन डिज़ाइन देखने के लिए मिलेगा साड़ी के अंदर, इस तरह से रहने वाला है। नीचे आपको चौड़ा बॉर्डर मिलेगा एंड कम्प्लीटली साड़ी आपको ना कुछ इसी तरह से ही मिल जाने वाली है। साड़ी की प्रॉपर लेंथ आपको मिलेगी, 5.5 मीटर की साड़ी मिलने वाली है और साड़ी बहुत प्यारी है, बहुत ही ना लाइट वेट सी साड़ी रहने वाली है। साड़ी का अंदर सेल्फ डिज़ाइन है, एम्ब्रॉयडर्ड है, नीचे का बॉर्डर आपको कुछ इस तरह से मिल जाता है। बहुत लाइट वेट साड़ी है, कलर कॉन्ट्रास्ट बहुत प्यारा है इस साड़ी का और प्राइस भी ज़्यादा नहीं है तो आप ले सकते हो, हाईली रिकमेंडेड साड़ी है और कलर ऑप्शंस ना सभी साड़ीज़ के अंदर अवेलेबल है, तो चेकआउट कर लीजिएगा। अगेन आपके साथ में एक और ब्यूटीफुल सी साड़ी शेयर करने वाली हूँ, ये आपको ना बनारसी सिल्क में मिलेगी, जो कांजीवरम सिल्क होता है ना उसमें आपको ये साड़ी मिल जाने वाली है एंड इसके अंदर आपको ना ब्रॉकेट का ब्लाउज मिलेगा, वो भी अगेन मैं आपको दिखा देती हूँ। और मुझे ये साड़ी ना बहुत प्यारी लगी, मतलब इसमें और इसमें ना है तो ग्रीन का कॉन्ट्रास्ट और पर्पल का ही कॉन्ट्रास्ट, बट इसमें थोड़ा डार्क पर्पल है एंड ये वाला ना थोड़ा सा लाइट पर्पल है। ये देखो, ये थोड़ा डार्क वाला है और ये थोड़ा सा ना लाइट वाला है, बट दोनों ही के साड़ीज़ का लुक जो है ना बहुत बढ़िया लगता है, इन्हेंस होकर के आता है और एक ना रिच क्वालिटी वाली साड़ी लगती है। तो ब्लाउज दिखा देती हूँ, जो ब्लाउज का पीस आपको मिलने वाला है इसमें 80 सेंटीमीटर का कुछ ब्रॉकेट का ब्लाउज मिलेगा, इस तरह से छोटा छोटा सा ना इसके ऊपर आपको डिज़ाइन मिल जाता है। ये नीचे आपको चौड़ा बॉर्डर मिल जाता है, इस तरह से ऊपर आपको ये छोटे वाला बॉर्डर मिलेगा। दिखा देगा जो कॉपर वायर होता है ना, कॉपर शेड होता है उसका इसमें ना शेड आ रहा है, उस धागे का इसके अंदर ना यूज़ किया गया है, जिससे ये साड़ी ना बहुत प्यारी लगती है, बहुत ही रिच क्वालिटी वाली साड़ी लगती है ये। और इस साड़ी के अंदर भी ना आपको सारा कॉपर का ही वायर का तार का काम मिलने वाला है और इसका जो शेड आ रहा है ना मुझे रिफ्लेक्ट कर रहा है, मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है ये साड़ी, माइंड ब्लोइंग है। कलर ऑप्शंस ना बहुत सारे हैं इसके अंदर, बहुत लाइट वेट साड़ी है और इसको देख के ना कोई बोलेगा भी नहीं कि आपने इतने कम प्राइस में इतनी अच्छी साड़ी आपको ना मिल रही है। गाइस 5.5 मीटर की ये ना साड़ी रहने वाली है, बहुत अच्छी साड़ी है, ऊपर छोटा सा बॉर्डर मिलता है, सेंटर में ये आपको ये ऐसी मिलेगी और नीचे की तरफ पूरी साड़ी पे कम्प्लीटली इस तरह का चौड़ा भरा हुआ आपको ना बॉर्डर मिल जाता है। बिलीव मी, बैक साइड से आप देख लीजिएगा, कोई धागा वागा नहीं निकला हुआ है। दो भी साड़ी मैंने आप लोगों के साथ में शेयर की गई है ना, वो भी बहुत प्यारी है, उनका भी बिल्कुल कोई धागा वगैरह नहीं निकला हुआ है, फिनिशिंग बहुत अच्छी है, लाइट वेट साड़ीज़ हैं, कलर ऑप्शंस अवेलेबल हैं, तो जो भी आपको अच्छा लगता है ले लीजिए। चलो भाई एक शॉल आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ, बिकॉज विंटर्स भी आने ही वाली हैं तो कम प्राइस में सेल प्राइस में आपको अच्छी चीज़ मिल जाए तो भैया ग्रैब कर लेनी चाहिए, मेरा तो ये मानना है, ले लीजिए अगर अच्छी चीज़ आपको मिल रही है। इसमें ना शॉल में कलर ऑप्शंस काफ़ी सारे हैं, ये देखिएगा कुछ इस तरह से ना वुलन आपको ना फैब्रिक मिलेगा और ये कश्मीरी शॉल्स होती हैं, ये बहुत प्यारी लगती हैं, मल्टी कलर से इसके ऊपर आपको एम्ब्रॉयडरी मिल जाती है ये देखिएगा, एंड यहाँ पे आपको ना टेसल्स मिल जाते हैं, ग्रीन शेड है, बहुत प्यारा लगता है और ऑब्वियसली ये इस तरह की जो एम्ब्रॉयडरी होती है वो तो हमेशा ही ना और एवर ग्रीन होती है, आप किसी भी आउटफिट के साथ में इसको कैरी कर सकते हो, तो ये वाली शॉल भी हाईली रिकमेंडेड। चलिए इसके साथ साथ में मैं होम डेकोर का भी कुछ आप लोगों के साथ में शेयर करना चाह रही हूँ, अभी मैं कुछ और कुर्तीज़ भी आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, प्लीज़ मैनेज कर लीजिएगा, वीडियो को प्लीज़ फुल वॉच कर लीजिएगा, मेरी वीडियो के लिंक को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा। कुशन कवर में ना इसमें आपको सेट ऑफ 5 मिलने वाला है, ठीक है, ये भी आपको ना सिल्क में मिलेगा और इसमें ना डार्केस्ट टोन में, फिर लाइट टोन में, फिर और लाइट टोन में, इस तरह से आपको मिल जाता है। 16x16 का ये रहने वाला है पीस, बैक का फैब्रिक कुछ इस तरह से मिलेगा और इसमें ना जो जिप लगाया हुआ है ना, जिप की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, बहुत ही जैसे हमारे और कुशन कवर्स होते हैं ना कुछ उसी तरह का ही आपको मिल जाता है। और फेस्टिवल्स में ना कुछ इस तरह के जो डार्क स्टोन होते हैं ना अच्छे लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं और इसमें ना कलर ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं, तो आप चेकआउट कर लीजिएगा, सेट ऑफ 5 इसके अंदर आपको ना मिल जाते हैं। लॉन्ग वाले तकिए होते हैं ना, पिलो होते हैं, उसका ये आपको कवर मिल रहा है, ये भी सेम, ये आपको ना पूरा सेट भी मिल जाता है, आप अलग अलग भी बाय कर सकते हो। ये इसमें आपको ना सेट ऑफ 2 मिलने वाला है, सेम फैब्रिक रहेगा, सिल्क का फैब्रिक रहेगा और शाइनी फैब्रिक है तो आप ले सकते हो इसको। और इसके साथ में ना आपको ना डोरीज भी मिल जाती हैं टाई करने के लिए, जो गोल वाले हमारे पिलो होते हैं ना, मैं उनकी बात कर रही हूँ। इसके साथ साथ में मैं आपको दिखाने वाली हूँ फ्रिज कवर, अगर आपको लेना है तो आप ले सकते हो, इधर आपको 3 पॉकेट मिलेंगी, यहाँ पर भी आपको 3 पॉकेट मिलेगी, फैब्रिक बहुत
अच्छा है, इसको आप हैंड वॉश कर सकते हो। बैक से कुछ इस तरह से रहने वाला है, इसके शेड्स बड़े प्यारे लगे हैं मुझे, काफ़ी अच्छा लगा है। और होना चाहिए एक दो फ्रिज कवर्स ना एक्स्ट्रा होने चाहिए, अगर आपका एक गंदा हो जाता है तो आप दूसरा वॉश कर सकते हो। अगर आपके फ्रिज में हैंडल है तो इन्होंने ना हैंडल का भी आपको कवर दिया हुआ है। इसके साथ में आपको इसके साथ में मिलेंगे 3 मैट्स जो कि आप ले सकते हो, कुछ इस तरह के रहने वाले हैं। बैक लुक कुछ आपको इस तरह से मिल जाता है, प्लास्टिक के हैं और ये वॉशेबल है, आप इजीली इनको ना वॉश कर सकते हो। सभी प्रोडक्ट के लिंक आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगेन मैं आपको दिखाने वाली हूँ कुशन कवर्स, इसमें भी आपको ना कलर ऑप्शंस मिल जाएंगे। इसमें ना जो मैट वाला मैटी वाला होता है ना, मैटी सी होती है, थिक वाली मैटी होती है, वो कुछ इस तरह का आपको फैब्रिक मिलेगा, ये इस तरह का डिजाइन मिलेगा। बैक में कुछ इस तरह से ना आपको सॉफ्ट वाला फैब्रिक मिल जाता है, जिप मिल जाती है, जिप की क्वालिटी भी अगेन काफ़ी अच्छी रहने वाली है, तो आप ले सकते हो। इसमें भी आपको ना सेट ऑफ 5 ही मिल जाएगा। और एक और कुशन कवर दिखा रही हूँ, ये भी मैंने सेट ऑफ 5 ही लिया हुआ है, इसमें भी बहुत सारे कलर ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। बहुत सॉफ्ट फैब्रिक है, ये देखिएगा बैक का जो लुक है कुछ इस तरह से आएगा, और इसमें ना जिप की क्वालिटी भी बहुत अच्छी इन्होंने प्रोवाइड करके दी है, ये देखिएगा। ये भी 16x16 का ही रहने वाला है, बहुत सारे कलर ऑप्शंस अवेलेबल है, तो आप चेकआउट कर लीजिएगा। बहुत कम प्राइस में आपको बहुत अच्छी सी चीज़ें मीशो के ऊपर मिल रही हैं, ले लीजिएगा। इस वीडियो अगर जरा सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब किए भी ना मजा आएगा। बहुत सारे हॉल वीडियोज इसी तरह के चैनल के ऊपर आने वाले हैं। तो चले दिखाती हूँ एक ब्यूटीफुल सी ना कर्सी, उसमें आपको कुर्ती दिखाती हूँ। रियॉन फैब्रिक रहने वाला है, कुछ इस तरह से मिल जाने वाला है। सभी मैंने साइज एल बाय किया हुआ है, कुछ इस तरह का आपको डिजाइन मिलेगा। राउंड नेक के साथ में कट स्लीव्स मिलेंगे, स्लीव्स इसके अंदर आपको नहीं मिलने वाली है, स्ट्रेट फिट कुर्ती रहने वाली है। एंड नीचे की तरफ आपको ना कुछ इस तरह से बॉर्डर मिल जाता है, डेली वेयर में घर के लिए ऑफिस के लिए बहुत अच्छी सी कुर्ती ये रहने वाली है। और इस कुर्ती का जो है बैक लुक इस तरह से आपको मिल जाने वाला है, बैक की तरफ भी आपको ना कुछ इस तरह से ना चौड़ा सा बॉर्डर मिल जाएगा। अगेन कुर्ती की क्वालिटी बहुत अच्छी है, ट्राई ऑन आप चेक कर लीजिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगा, फैब्रिक बहुत कंफर्टेबल है, तो डेफिनेटली आप इसको चेकआउट कर। चलिए दिखाती हूँ नेक्स्ट कुर्ती, चिकनकारी कुर्ती आपको मिल जाती है जॉर्जेट फैब्रिक के अंदर, कुछ इस तरह का आपको ना रियल मिरर का काम मिलेगा, थ्रेड का काम मिल जाना है, और फ्रंट में पूरा इस तरह का आपको ना वर्क मिलेगा, रियल मिरर का काम मिल जाता है इसके अंदर। इसके अंदर आपको ना फुल स्लीव्स मिल जाती हैं, स्लीव्स के ऊपर आपको इस तरह से कम्प्लीटली रियल मिरर का और थ्रेड का काम मिलेगा, और क्वालिटी काफ़ी अच्छी रहने वाली है। बैक आपको ना कम्प्लीटली प्लेन ही मिल जाता है, जीन्स के साथ इस कुर्ती को कैरी कर सकते हो और ट्राउजर्स के साथ कैरी कर सकते हो। चिकनकारी कुर्तीज हमेशा ही फैशन में ही रहती हैं, कभी इनका ना आउट ऑफ फैशन होता ही नहीं है, किसी भी वेदर में इनको आप इजिली कैरी कर सकते हो। इसके अंदर आपको मिलेगा कॉटन का इनर जो कि आपको ना स्टिच मिलेगा, ठीक है, कुछ इस तरह का मिल जाता है, और लेंथ आपको इसमें इतनी मिल जाती है। शेयर करती हूँ एक और चिकनकारी कुर्ती, ब्यूटीफुल थी, उसकी थोड़ी सी लेंथ कम है और इसकी ना नी लेंथ से नीचे जाने वाला है। कलर ऑप्शन दोनों ही कुर्तीज में बड़े सारे अवेलेबल हैं, रेड कलर जॉर्जेट फैब्रिक में मिलेगा, रियल मिरर का काम मिल जाता है, कुछ इस तरह का आपका नेक आ जाता है, और यहाँ पे ना आपको थ्रेड वर्क मिल जाता है, 3/4 स्लीव्स मिल जाती हैं, रियल मिरर का सारा कम्प्लीटली आपको ना काम देखने के लिए मिल जाता है, और पल्लू की तरफ कुछ इस तरह की छोटी छोटी से ना बूटिया का काम मिलेगा, जो साइड स्लिट्स हैं उसमें भी आपको कुछ इस तरह से काम मिल जाता है। बैक लुक की अगर हम बात कर लेते हैं कुर्ती की, तो ये कुछ इस तरह से ना आपको पैच बना हुआ मिलता है एम्ब्रॉयडर्ड का, बाकी बैक में आपको ये पीस प्लेन ही मिलने वाला है। क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, कलर ऑप्शंस काफ़ी अवेलेबल हैं, तो आप चेकआउट कर लीजिएगा। अगेन इसके साथ में आपको मिल रहा है कॉटन का इनर, तो स्टिच इनर मिल रहा है इसमें, क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, तो आप ले सकते हो। ये कुर्ती मतलब मुझे बहुत अच्छी लगी, मुझे तो सच में यकीन ही नहीं होता कि मीशो इतनी अच्छी कुर्ती भी भेज सकता है यार। ये देखो जॉर्जेट फैब्रिक में ना आपको शॉर्ट कुर्ती मिलेगी, कुछ इस तरह की ना स्लीव्स मिल जाती हैं, रियल मिरर का आपको इसके काम मिलेगा, एम्ब्रॉयडर्ड का सारा कम्प्लीटली वर्क मिलेगा, ये सारा रियल मिरर का इन्होंने काम करके दिया हुआ है आपको। ये स्लीव्स आपको मिल जाती हैं, स्लीव्स के ऊपर भी आपको वर्क मिलेगा। ये आपको जीन्स के साथ कैरी करने के लिए कुर्ती मिल जाती है, फ्लेयर आपको ब्यूटीफुल सा मिल जाता है, और बैक लुक भी आप इसका देख लीजिएगा, कुछ इस तरह का आपको ना वर्क मिलने वाला है, ये देख लीजिएगा। बैक में कम्प्लीटली इस तरह का आपको काम मिलेगा, फ्लेयर काफ़ी अच्छा है। फ्रंट में यहाँ पे ना आपको बटन्स मिल जाते हैं, कुछ इस तरह की डोरी दी हुई है इसको, मतलब वियर करने के बाद में ना इसका लुक इतना क्यूट आता है ना, जेड ब्लैक इसमें आपको ना शेड मिल जाता है, कलर ऑप्शंस काफ़ी सारे अवेलेबल हैं। देखो यार मिस ना करो, ले लो जो भी आपको शेड अच्छा लगता है ना, ले लो यार किसी भी, इसको ना धोती पैंट के साथ में भी कैरी करोगे ना तो भी ये पीस मस्त लगने वाला है।
आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ एक कॉटन का कुर्ता सेट। इसमें कलर ऑप्शंस और साइजेस सभी अवेलेबल हैं। ये कुछ इस तरह से आपको वी नेक मिलेगा, यहाँ पे ना मड़े हुए बटन मिल जाते हैं और इस फैब्रिक के अंदर ना सिल्वर कलर की ना धागे की लाइनिंग है जो कि इसके लुक को बड़ा इन्हेंस करती है। कुछ इस तरह की 3-4 स्लीव्स मिल जाती हैं। स्ट्रेट फिट कुर्ता मिलने वाला है कुछ इस तरह से ना, और इसका कलर कॉम्बिनेशन मुझे काफ़ी अच्छा लगा। लाइट एंड डार्क का जो है ना, ये मतलब वियर करने के बाद आपको ना बहुत ज़्यादा लाइट फील कराता है। कुछ इस तरह का ये रहने वाला है, पास से दिखा देती हूँ, बहुत प्यारा लगता है। और कलर ऑप्शंस हैं इसके अंदर अवेलेबल भी ना, तो मुझे ना ये वाला शेड काफ़ी अच्छा लगा, तो दैट्स वाई कि मैंने इसको बाय कर लिया। इसके अंदर आपको मिलेगी पैंट में आपको फ्रंट में डोरी मिल जाती है टाई करने के लिए, दो पॉकेट मिल जाती हैं, बैक में आपको ना इलास्टिक मिल जाता है, एंड ये भी आपको ना कॉटन फैब्रिक में मिलेगा। प्योर कॉटन फैब्रिक आपको ना मिलने वाली है। पैंट यहाँ पे आपको कट मिलेगा, यहाँ इन्होंने बटन लगा के दिया हुआ है। बहुत अच्छा पीस है, बहुत ही अच्छा पीस है। और कॉटन में ना जब भी आप कुछ भी बाय करते हो ना, तो वन साइज आप अप में जाएं, बिकॉज कि कॉटन ना श्रिंक हो जाता है, तो दैट्स द रीजन। कॉटन भी कई तरह के होते हैं, तो श्रिंक होने के बाद में वो ज़्यादा सिकुड़ जाता है, तो आपकी बॉडी पे फिर फिट नहीं बैठता है, तो हमेशा ही वन साइज अप में जा करके आप उसको बाय। तो आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ अगेन ब्यूटीफुल सी ना फॉक्स जॉर्जेट में एक प्यारी सी ड्रेस शेयर कर रही हूँ। वी नेक मिल जाता है, 3/4 स्लीव्स मिल जाती हैं। कुछ इस तरह का इसके ऊपर ना प्रिंट रहने वाला है, ये प्रिंट नहीं है, ये फैब्रिक ही है, तो खराब नहीं होने वाला है किसी भी तरह से, आप वॉश कर सकते हो। एंड इसकी अगर फ्लेयर की बात करते हैं, तो यूज आपको ना इसके अंदर फ्लेयर मिल जाता है। फुल लेंथ का इसमें आपको ना ब्यूटीफुल सा सॉफ्ट सा इनर अटैच मिल जाता है। कलर बहुत प्यारा है इसका, जो शेड कॉन्ट्रास्ट है ना बहुत ही प्यारा है, मतलब एक ना बटरी जो होता है ना वो वाली फील कराएगा जब आप इसको वियर करोगे, तो बैक का जो लुक है कुछ इस तरह से आने वाला है। ये देख लीजिएगा ब्यूटीफुल सा इसका ना जो डिज़ाइन बनाया हुआ है, काफ़ी अच्छा लगता है। ये फ्लोर लेंथ की आपको ना ड्रेस मिलने वाली है, बहुत खूबसूरत है, बहुत ही प्यारा लुक इसका निकल करके आता है। तो गाइज बाय कर लीजिएगा, अगर आपको किसी भी अपने घर के ओकेजन के लिए भी चाहिए, घर में भी आप कैरी कर सकते हो। बहुत प्यारा पीस है, कम प्राइस में मिल रहा है ना। आपके साथ में शेयर कर रही हूँ जो खादी कॉटन होता है ना, उसमें आपको मिल जाता है कुर्ता दुपट्टा का सेट। ये अफगानी कुर्ता सेट रहने वाला है, ठीक है, कुछ येलो शेड में मिलेगा, और इसके अंदर ही ना फैब्रिक के अंदर ही आपको कुछ इस तरह की डिजाइनिंग देखने के लिए मिलेगी। ये टाई करने के लिए आपको डोरी मिलेगी, 3/4 स्लीव्स के साथ में आपको यहाँ पे क्रोशिया की डिटेलिंग मिल जाती है। स्ट्रेट फिट कुर्ता ये रहने वाला है, साइड स्लिट मिल जाती है, फ्रंट और बैक कुछ आपको इसी तरह से ही मिलेगा। नी लेंथ से नीचे जाने वाला ये आपका ना कुर्ता है, बहुत अच्छा है, मिनिमम प्राइस में आपको मिल रहा है, तो ले लीजिएगा। कलर ऑप्शंस इसके अंदर भी अवेलेबल है, तो चेकआउट कर लीजिएगा। इसके साथ आपको मिलता है 2.5 मीटर का दुपट्टा, अगेन ये भी आपको ना कॉटन फैब्रिक में ही मिलेगा। ये देखिएगा दुपट्टा कुछ इस तरह से मिल जाएगा आपको, यहाँ टेसल्स मिल जाएंगे, ऊपर आपको बॉर्डर मिल जाएगा, नीचे की तरफ भी आपको बॉर्डर मिल जाएगा। लेंथ आपको इसमें प्रॉपर मिल रही है, काफ़ी अच्छी लेंथ के साथ में ये आपको मिल जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि इतने कम प्राइस में आपको इतनी अच्छी चीज़ मिल रही है ना, तो वाई नोट, हमें जाना चाहिए, लेना चाहिए भाई, ठीक है। अगेन आपको कॉटन फैब्रिक की इसमें मिलेगी अफगानी पैंट, ठीक है, ऊपर इलास्टिकेटेड बैंड मिल जाता है और नीचे की तरफ आपको ये प्लेट्स मिल जाते हैं, जबकि अफगानी पैंट इसी तरह से होती हैं। यहाँ पे आपको क्रोशिया की लेस की डिटेलिंग मिल जाती है। तो गाइज मिस मत कीजिएगा, साइज अप साइज में जाइएगा, वन साइज अप में, तो ये आपको बहुत अच्छे से फिट होके आएगा। अगेन आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ प्योर कॉटन फैब्रिक में, बहुत प्यारी सी अनारकली कुर्ती या ड्रेस कह लीजिए, कुर्ती कह लीजिए। कुछ राउंड नेक मिलेगा, यहाँ पे गोल्डन गोटा पट्टी की डिटेलिंग मिलेगी। यहाँ का जो फैब्रिक है वो भी कॉटन ही है, बट इसका डिजाइन चेंज है। बाकी आपको फ्लोरल कुर्ती मिल जाती है, 3/4 स्लीव्स रहने वाली है, स्लीव्स पे आपको गोटा पट्टी की डिटेलिंग मिल जाती है। ये आपको कंप्लीटली फ्लोर लेंथ से थोड़ी सी अपर साइड में चली जाने वाली है। एंड अगर हम इसकी फ्लेयर की बात करते हैं, तो इसमें आपको यूज फ्लेयर मिल जाता है, ठीक है, ये आपको मिल रही है। किसी भी घर में कैरी कर सकते हो, अपने ऑफिस में भी कैरी कर सकते हो, बैक में टाई करने के लिए इसमें आपको ना बेल्ट प्रोवाइड कराया हुआ है। ब्यूटीफुल सी लगने वाली कुर्ती है, प्योर कॉटन फैब्रिक की है, ट्रांसपेरेंट बिल्कुल भी नहीं है, ब्लैक शेड है, तो ट्रांसपेरेंट होने का सवाल ही नहीं होता है। तो ये वाली कुर्ती भी भाई बहुत प्यारी है, कलर ऑप्शंस अवेलेबल है, तो चेकआउट कर लीजिए। ये जो ड्रेस आपके साथ में शेयर कर रही हूँ ना, माय गॉड सच में बहुत अच्छी रहने वाली है। और ये आपको ना एक मिडी ड्रेस मिल रही है, अनियन शेड और व्हाइट के कॉन्ट्रास्ट में, फ्लोरल डिजाइन के साथ में, कुछ इस तरह से राउंड नेक मिल जाता है। और यहाँ पे ना वुड के बटन लगा करके दिए हैं। स्लीव्स की बात करो तो पफ वाली स्लीव्स मिलेगी, यहाँ पे आपको इलास्टिकेटेड बैंड मिल जाता है, बहुत प्यारी है, बहुत लाइट वेट है ड्रेस है। इसमें टायर आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं, ऊपर एक वन टायर मिलेगा, सेकंड टायर एंड थर्ड टायर। टायर क्या होता है, ऊपर छोटा होता है, फिर नीचे चौड़ा, फिर और चौड़ा, है ना। अगर मैं इसकी फ्लेयर की बात कर लेती हूँ, तो फ्लेयर भी आपको काफ़ी अच्छा इसमें
मिल जाता है, यूज फ्लेयर मिल जाता है आपको। और बेसिकली ये एक मिडी ड्रेस है, तो कॉटन फैब्रिक के अंदर मिल रही है, बहुत प्यारी है, लुक बहुत अच्छा लगता है। बैक में टाई करने के लिए बेल्ट मिल जाती है, कुछ इस तरह से इसका डिज़ाइन रहने वाला है। बहुत प्यारी है गाइस, सच में ले लीजिए समर्स के लिए, घर के लिए और डेली के लिए, किसी भी तरह से आप इसको कैरी कर सकते हैं। साथ में शेयर कर रही हूँ इंडिको कलर, ये तो हर स्किन टोन पे अच्छा लगता है, हर वेदर में ही अच्छा लगता है। रियोन फैब्रिक में वी नेक के साथ में ब्लू और व्हाइट के कॉन्ट्रास्ट में मिलेगा, 3/4 स्लीव्स मिल जाती हैं, ये देख लीजिएगा, ब्यूटीफुल लगने वाला है, बटरी फैब्रिक रहने वाला है। नीचे का जो है कुछ इस तरह की डिजाइनिंग मिल जाएगी आपको। फ्लेयर की बात करते हैं तो बहुत ज़्यादा फ्लेयर नहीं है, जैसे स्ट्रेट फिट होता है ना, उससे थोड़ा सा ज़्यादा ही आपको इसके अंदर फ्लेयर मिलेगा। बट कुर्ती बहुत अच्छी है, आई थिंक ना अंडर 500 ही सभी की सभी कुर्तीज़ हैं, तो मैं एक बहुत ही अफोर्डेबल हॉल आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। लेंथ भी इसकी आपको ना प्रॉपर मिल जाती है, जो अच्छी कुर्तीज़ हैं, अच्छे मटेरियल की हैं, कम प्राइजेज वाली हैं, वही मैं आप लोगों के साथ में ये हॉल शेयर कर रही हूँ। बिकॉज ना क्या होता है ना कि हम इतने अफोर्डेबल जो कुर्तीज़ होती हैं वो भी कैरी कर सकते हैं, कम प्राइस में अच्छी क्वालिटी की चीज़ें भी मिलती हैं। ऐसा नहीं है कि हमें महंगे ही कपड़े पहनने हैं, उन्हीं पे ही हमने इन्वेस्ट करना है, नहीं भाई, किसी का पॉकेट अलाउ करता है, किसी का नहीं करता है। तो इन बजट भी आप लोगों को अपने लिए अच्छी क्वालिटी की चीज़ें आप बाय कर सकते हैं। अगेन आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ रियोन फैब्रिक के अंदर कुछ यहाँ पे मैंडरिन कलर मिलेगा, मैरून शेड के अंदर कुछ इस तरह का इसके ऊपर आपको प्रिंट देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे आपको प्लेट्स मिल जाती हैं, फ्लेयर भी बहुत अच्छा आपको मिलने वाला है, 3/4 स्लीव्स के साथ में, स्लीव्स के ऊपर आपको कुछ इस तरह का डिजाइन मिल जाएगा, फॉल प्रिंट का भी काम हो रखा है इसके ऊपर। और इसकी अगर मैं फ्लेयर की बात करती हूँ कुर्ती की, तो बहुत ना एक अच्छा सा फ्लेयर आपको इसके अंदर मिल जाता है, ये देखिएगा, ये एज अ कुर्ती भी आप इसको वियर कर सकते हो और एज अ ड्रेस भी आप इसको वियर कर सकते हो। और मैंडरिन कॉलर मिल रहा है, बैक कुछ आपको इस तरह से मिल जाता है, ठीक है, और फ्लेयर काफ़ी अच्छा है, तो ये भी कुर्ती बहुत प्यारी है, कलर ऑप्शंस इसके अंदर भी अवेलेबल है, तो चेकआउट कर लीजिएगा। और अच्छा पीस है, कम प्राइस में आपको मिल रहा है, तो ये भी आप लोग ले सकते हो। लास्ट बट नॉट लीस्ट प्लीज गाइस, रिक्वेस्ट है चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बहुत टाइम लगता है, बहुत एफर्ट लगता है एक वीडियो को शूट करने के लिए, इतने अच्छे अच्छे पीसेस मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। तो लास्ट है ये वाला मेरा पीस, रियोन फैब्रिक में मिलेगा, फ्यूचर रानी पिंक में, कुछ इस तरह की आपको ना स्लीव्स मिल जाती हैं, प्रिंट किया हुआ है ऑल ओवर आपको कुर्ती के ऊपर, प्रिंट ही देखने के लिए मिलेगा, इसी तरह की आपको 3/4 स्लीव्स और यहाँ पर भी आपको प्रिंट मिलेगा, ये छोटा छोटा सा प्रिंट आपको देखने के लिए मिल जाता है। स्ट्रेट फिट कुर्ती रहने वाली है और नीचे ना आपको कुछ इस तरह का ना बॉर्डर मिल जाता है पल्लू के ऊपर, ये भी सारा आपको फॉल प्रिंट का ही काम मिलेगा, ठीक है ना। अगर आप इसको हैंड वॉश करते हो तो प्रिंट कहीं नहीं जाएगा, और अगर आप इसको मशीन वॉश करते हो तो इसका प्रिंट आपका ना जल्दी खराब हो जाएगा, तो बेटर है कि आप इसको ना हैंड वॉश ही करें। बैक से भी कुछ इसी तरह से मिलने वाला है, और ये ना एक स्ट्रेट फिट कुर्ती रहने वाली है, तो ये भी काफी अच्छी है, डेली वेयर के लिए भी आप इसको कंसिडर कर सकते हो, ठीक है, ऑफिस वेयर के लिए, डेली वेयर के लिए, कॉलेज वेयर के लिए, काफ़ी कम प्राइस में आपको बहुत अच्छी अच्छी सी कुर्तीज मैंने आप लोगों के साथ में शेयर कर रही है। और इसी तरह के भी और अफोर्डेबल हॉल अगर आप मुझे आप बोलेंगे तो मैं डेफिनेटली आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी, लुक बहुत प्यारा निकल के आता है। और ये वाला शेड ना फ्यूचर रानी पिंक है, तो सभी स्किन टोन के ऊपर ना बहुत ही अच्छा लगता है। तो दैट्स इट गाइज, ये थी मेरी बहुत सारी कुर्तीज, साड़ीज, लहंगा और होम डेकोर भी मैंने इसके अंदर इंक्लूड कर दिया है। तो आई होप कि गाइस आपको मेरा ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, वीडियो अगर जरा सा भी अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इंस्टाग्राम पर अगर अभी तक फॉलो नहीं किया तो क्या किया यार, जल्दी से जाके फॉलो कर लीजिए, वहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी रील्स मैं शेयर करती हूँ। और मिलती हूँ मैं एक और बढ़िया से धमाकेदार हॉल वीडियो के साथ में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा, अपनी फैमिली के साथ में रहिएगा, टेक केयर, टिल देन बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर, बाय।